हेलो गाइस, तो आज मैं आपको क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 पोटैटो ले लिए हैं और इनके छिलके हटा देंगे हम। फिर उसके बाद सारे पोटैटो के ऐसे ही छिलके हटा दूंगी और फिर उसके बाद इसको फ्रेंच फ्राइज के शेप में कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ और इसी तरीके से सारे पोटैटो जिसके मैंने छिलके हटाए हैं इसी तरीके से हम शेप में इसको कटिंग कर देंगे। फिर मैं इसको अंदर कोल्ड पानी डालूंगी, ठंडा पानी, और पानी डालने के बाद सारे इसको डुबो देंगे। और फिर मैंने एक कपड़े में इसको सुखा दिया था, सूखे कपड़े में, और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, फिर थोड़ी हल्दी डाली है, और फिर मैंने यहाँ पर चावल का आटा डाला है 2 स्पून। तो यहाँ पर इनको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो तेल गर्म हो गया था तो यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए फ्रेंच फ्राइज को डाल दिया है। अब इसको ऐसे ही पलट पलट के हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हमारे इस तरीके से ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए नमक और मिर्ची डाल रही हूँ और यहाँ पर देख सकते हो आप हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। तो चलिए, और आप भी ऐसे बना के ट्राई कीजिए घर पे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।